आपने 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 रुपए के नोट जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं इन नोट के किनारों पर बनी इन 3-6 लकीरों के बारे में, जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं इस लकीर के बारे में। नोटों के किनारे पर बने इन लकीरों को ब्लेड मार्क्स कहते हैं। ये लकीरें इसलिए खास है क्योंकि ये दृष्टिहीन यानी जो अंधे लोग होते हैं उनके लिए बनाई जाती हैं। जो लोग अपनी आंखों से नोटों को नहीं देख सकते वो इन लकीरों के माध्यम से नोटों की वैल्यू समझ पाते हैं, जिससे कि कोई उनको बेवकूफ़ ना बना सके। नेत्रहीन यानी जो अंधे लोग होते हैं वो इन लकीरों पर अपनी उंगलियां फेरकर नोट की वैल्यू पता लगा पाते हैं, वह नोट 50 रुपये की हो या 2000 रुपये की। नेत्रहीन लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई है ये लकीरें। उसकी वैल्यू के हिसाब से हर नोट पर अलग अलग होती है। अगर आप 100 रुपये के नोट को उठाकर देखेंगे तो इसके दोनों तरफ आपको 4 लकीरें दिखाई देंगी। 200 के नोट में भी 4 लकीरें बनी होती हैं, लेकिन इसके साथ उसमें 2 जीरो भी लगे होते हैं, जबकि 500 के नोट में 5 लकीरें और 2000 के नोट पर आपको 7 लकीरें दिखाई देंगी। खास बात यह है कि सभी लकीरें उभरी हुई होती हैं, जिससे नेत्रहीन लोग इन्हें फील करके नोट की वैल्यू को समझ सके। तो दोस्तों, ये फैक्ट वाला वीडियो कैसा लगा निश्चय दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और नए मज़ेदार वाले वीडियो में।